ये मूवी और बहुत सारे मचवॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए, या फिर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे टेलीग्राम नंबर या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। अ फॉल फ्रॉम ग्रेस को डायरेक्ट किया है टायलर पेरी ने और डायरेक्शन के साथ साथ उन्होंने इस मूवी में एक्टिंग भी की है। स्टोरी फॉलो करती है ग्रेस नाम की एक औरत पर जो कि अपने पति को रिसेंटली छोड़ चुकी है उनके अफेयर की वजह से, और अब ये अकेली रह रही है, मगर ये सोचती है कि साला इनका पति जो है वो अफेयर कर रहा है किसी और के साथ में, ऐश कर रहा है तो मैं भी क्यों ना अफेयर करूं। सो इनके दोस्त के कहने पर ये एक बंदे से मिलती हैं, जिससे मिलते से ही इनको ये एहसास होता है कि ये तो इनके सपनों के राजकुमार से भी ज्यादा अच्छा है, और फाइनली वो इनसे शादी कर लेती है। मगर शादी के बाद ही ग्रेस पर इल्जाम लग जाता है कि इन्होंने अपने पति का खून कर दिया है, मतलब इतना प्यार हो गया कि खून ही कर दिया। सो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने अपने पति का खून कर दिया, या खून किया भी है या नहीं, कुछ इसी मिस्ट्री को सॉल्व करती है ये मूवी जिसका नाम है अ फॉल फ्रॉम ग्रेस। अ फॉल फ्रॉम ग्रेस रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 17 जनवरी 2020 को, और ये रिलीज हुई सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। मूवी की रन टाइम 2 घंटे की है, थोड़ी ज्यादा है, मगर अगेन पूरी मूवी देखते वक्त आपको एहसास ही नहीं होता कि ये मूवी कब शुरू हुई कब खत्म हुई, यानी कि 2 घंटे की रन टाइम आपको बोरियत महसूस नहीं कराती। अब क्योंकि हमने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो हमें इतना तो पता था कि कुछ ना कुछ मूवी में तो गलत होता है और क्या होगा इसका भी आइडिया होता है, बट एग्जैक्टली वो चीज कैसे एक्सिक्यूट होगी इसके बारे में नहीं पता था, और यही वो चीज है जो हमें इस पूरी मूवी में चकड़ के रखती है। लिटरली मूवी के स्टार्टिंग के 1 घंटे में जहां पर देखते देखते हमें यह एहसास होता है ओके फाइन ये तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, बट मूवी के 1 घंटे के बाद में हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि बॉस आखिरकार हुआ क्या होगा। मूवी में ग्रेस की लॉयर जैस्मिन का काम किया है ब्रेशा वेब ने, जो कि ज्यादातर जानी जाती है अपने प्ली डील की वजह से। ये बस उन मुजरिमों को जो कि प्ली करने के लिए रेडी होते हैं उन्हें कोर्ट में लेके जाती है, डील करा देती है, एंड दैट्स इट। सो बेसिकली इस पूरी मूवी में उनका एक इम्पैक्ट रहता है, उनका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया है कि ये जो औरत है ये कभी लड़ती नहीं है, ये बस प्ली वाले बंदों को कोर्ट में लेके जाती है और प्ली दिलवा देती है। मगर एक्चुअल में जब जैस्मिन के पास में ग्रेस का ये केस आता है, जब ग्रेस का केस आता है तो उसके बाद में इनको ये एहसास होता है कि नहीं, देयर इज समथिंग मच मोर हैपेंड इन दिस केस देन व्हाट एक्चुअली ग्रेस इज टेलिंग मी। मूवी शुरुआत में थोड़ी स्लो पेस्ड है, मगर वो सभी स्लो पेसेस के सीन्स जरूरी थे। फॉर एग्जांपल ग्रेस और उनके बॉयफ्रेंड के बीच का प्यार, वो स्लो पेस है, वो दिखाया गया हमें कि कैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो जरूरी था ताकि हमें ये एहसास हो पाए, हम ये फील कर पाए कि नहीं यार ये दोनों तो सच में एक दूसरे के लिए बने हैं, सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, ताकि उसके बाद में जब हमें एक्चुअल में ये सीन देखने को मिलता है कि यार कहीं ना कहीं शायद से ग्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया है तो हमें यकीन ना हो, और एक्चुअल में ऐसा होता भी है। थ्रिलर की बात करें तो हाँ, काफी सीन्स में हम एक्चुअल में मूवी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट मूवी की एंडिंग नहीं, डेफिनेटली वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। थोड़े बहुत पॉजिटिव पॉइंट होने के बाद में मूवी में थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, जैसे कि ग्रेस का लड़का, इसे हम पूरी मूवी में देखते ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि ये ग्रेस का लड़का है, तो जब ग्रेस को यानी कि इनकी माँ को जब मर्डरर करार दिया जाता है कि नो व्हाट शायद से इन्होंने खून किया है, तो मेरे ख्याल से हम सबसे पहले परिवार वालों को देखना चाहेंगे, बट ग्रेस का लड़का शायद 20 या 30 सेकंड के लिए हमें देखता है एंड दैट्स इट, पुफ He's gone. इतना ही नहीं, थ्रू आउट द मूवी में हम ग्रेस के लड़के को हार्डली ही देखते हैं। सो वाई एक बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए सामने नहीं आता, क्यों हम उनके परिवार के किसी भी मेंबर को नहीं देखते, ये थोड़ा वियर्ड था। सो ओवरऑल कहूँ तो मूवी ठीक ठाक थी, वन टाइम वॉचेबल जरूर है, और एंड में जो इसका सस्पेंस खुलकर सामने आता है वो डेफिनेटली आप गेस नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट आप शॉक भी हो जाएंगे कि ऐसा रियल में होता भी है। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 out of 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की मूवी अ फॉल फ्रॉम ग्रेस का। सो अगर आपको हमारे ऐसे मूवीज और सीरीज रिव्यूज नेटफ्लिक्स ऑफर्स, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस, एमेजॉन एंड Z5 ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट ऑफर्स जानते रहना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।